कोरोना टेस्टिंग के मामले में तेजी लाने के लिए कटिहार जिला प्रशासन की टीम ने मंगलवार को जिले के सभी स्वास्थ्य केंद्रों का निरीक्षण किया। इसी क्रम में कटिहार के डीएम कमल तनुज भी जिले के अलग अलग स्वास्थ्य केंद्रों का खुद निरीक्षण किया। मनसाही, प्राणपुर और हसनगंज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचकर डीएम ने कोरोना के टेस्टिंग में तेजी लाने के साथ साथ इस टेस्टिंग को अति सुलभ और आसान बनाने के कई दिशा निर्देश भी दिए। साथ ही कंटेनमेंट जोन में टेस्टिंग को लेकर कई दिशा निर्देश स्वास्थ्य कर्मियों को डीएम ने दिए। हाँ, पीएससीज का आज पूरे डिस्ट्रिक्ट के सारी टीम्स ने इंस्पेक्शन किया है। सारे पीएससीज का कम से कम दो टीम्स ने इंस्पेक्शन किया है। उसी क्रम में हम लोग भी यहाँ पे इंस्पेक्शन करने आए हैं। तो इसका सबसे मेन पर्पस है टारगेट जो टेस्टिंग है, टेस्टिंग के हम लोगों ने जो मापदंड निर्धारित किए हैं उसके अनुसार टेस्टिंग सुनिश्चित हो, हर जगह टीम्स मोबिलाइज करें। अभी हम लोगों ने हर पीएससी से टीम्स कंटेनमेंट जोन में भेजना शुरू किया है ताकि कोई भी कॉन्टैक्ट अनटेस्टेड ना रह जाए। तो उसी को मोबिलाइज करने के लिए आज विजिट की गई है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के निरीक्षण के दौरान कटिहार के डीएम ने फ्रंट लाइन में कोरोना से लड़ रहे कोरोना योद्धा डॉक्टर, नर्स और लैब टेक्नीशियन का हौसला अफजाई भी किया। डीएम ने ऐसे कोरोना योद्धा के बारे में कहा कि हम सब टीम का हिस्सा हैं और उन्हें हर मुकम्मल व्यवस्था उनके स्तर पर उपलब्ध कराई जाएगी। डॉक्टर्स ही नहीं, इनफैक्ट जो और भी स्टाफ हैं डॉक्टर्स के अलावा, जो लैब टेक्नीशियंस हैं जो डायरेक्टली रिस्क लेके और ड्यूटी अपनी पूरी कर रहे हैं, और जो आशा वर्कर्स हैं जो घर घर जा रही हैं, तो इन सब के मनोबल को बढ़ाने के लिए ही हम लोग भी खुद भी घर से बाहर निकलें और उन्हीं सब एरिया में जा रहे हैं, कंटेनमेंट जोन में भी जा रहे हैं, अस्पतालों में आए हैं, ये बताने के लिए कि हम लोग साथ हैं और हम लोग एक टीम की तरह काम कर रहे हैं। और बाकी जो भी प्रोटेक्टिव गेयर या जो भी हम लोगों को फैसिलिटीज़ मिली हैं वो हम लोग इंश्योर करेंगे कि सबको हम लोग सुनिश्चित करें। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए डीएम के दिशा निर्देश पर जिले के स्वास्थ्य केंद्रों में भी आइसोलेशन बेड की संख्या बढ़ाई गई है, जिनमें सदर अस्पताल में 100 बेड, मनिहारी अस्पताल में 100 बेड और बारसोई अस्पताल में 100 बेड बढ़ाए गए हैं। साथ ही जिले के अन्य अस्पतालों में बेड बढ़ाने की कवायद शुरू कर दी गई है। दिशा निर्देश में हाँ, हम लोगों ने कुछ प्रायोरिटी एरियाज अपने चिन्हित किए हैं। सबसे पहले तो जैसा मैंने कहा, टेस्टिंग हो, टेस्टिंग से अगर और कुछ रिजल्ट हम लोगों को आए या और अच्छा कुछ आए, लेकिन मिनिमम कम से कम ये ज़रूर होगा कि व्यक्ति को मालूम पड़ जाएगा कि वो पॉजिटिव है और फिर वो खुद अपने या तो हमारे आइसोलेशन में रहेगा या सेल्फ डिसिप्लिन के तहत होम आइसोलेशन में रहेगा, तो संक्रमण का फैलाव कम से कम उस व्यक्ति के माध्यम से नियंत्रित हो जाएगा। और उसके अलावा आइसोलेशन सेंटर्स को विकसित करने का हम लोगों ने डायरेक्शन दिया है। तो सदर अस्पताल में 100 बेड का है और मनिहारी में भी 100 बेड का डेवलप हुआ है और बारसोई में 30 बेड का है। ये DCHC है, डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर, और इसके अलावा 973 बेड्स के हम लोगों ने आइसोलेशन सेंटर की कैपेसिटी बनाई है। और इसके अलावा नियंत्रण कक्ष बनाया गया है, उसके दो नंबर्स हैं, वो आप अलग से ले सकते हैं। और जितने भी होम आइसोलेशन में लोग हैं या किसी को डाउट है, कोई सिम्टम है, किसी प्रकार का लक्षण है या वो किसी के संपर्क में आए हों, और अगर उन्हें लग रहा है कि स्वास्थ्य केंद्र में या कहीं उनका संपर्क ठीक से नहीं हो पा रहा है, तो इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। वो अपना नाम नोट करा देंगे और हम लोग अपनी टीम, जैसा आपने देखा सारी टीम्स फील्ड में मूव कर रही हैं, ये डेली मूव करेंगी और उनका भी हम लोग टेस्टिंग की फैसिलिटी उपलब्ध कर। बहरहाल कोरोना त्रासदी के इस घड़ी में हम सबों को मिलकर इस त्रासदी से लड़ना है, इसे दूर भगाना है। जरूरत है फ्रंट लाइन में खड़े उन तमाम कोरोना योद्धा को अपना सहयोग देने की, जो इस लड़ाई में अपना घर परिवार सब कुछ छोड़कर हमारे लिए खड़े हैं। ऐसे कोरोना योद्धा को टाइम्स न्यूज की पूरी टीम सलाम करती है, जो हमारे लिए खड़े हैं, जो आपके लिए खड़े हैं और जो हम सबों के लिए लड़ रहे हैं।
इमरान खान, टाइम्स न्यूज़, कटिहार।